आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नए वीडियो लाते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप मेरे जैसा थंबनेल कैसे बना सकते हैं, यूट्यूब का थंबनेल बहुत ही प्रोफेशनल कैसे बना सकते हैं। आप लोगों ने तो देख लिया होगा मेरा थंबनेल पे कि मेरे जैसा थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो का लास्ट तक वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो मेरे जैसा थंबनेल नहीं बना सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ऊपर में आपको कोना में दिख रहा होगा 3 डॉट का ऑप्शन, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको 3 डॉट का ऑप्शन पर जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है इमेज साइज, तो इमेज साइज पे आपको क्लिक करना है। इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है कस्टम, तो कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको चूज़ करना है यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल आपको चूज़ करना है। यूट्यूब थंबनेल चूज़ करने के बाद यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ 16:9 का रेशो जो आता है यूट्यूब थंबनेल का साइज वो आ चुका है, या 1280x720 का जो रेशो आता है वो भी आ चुका है। तो आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ बीच वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है इम्पोर्ट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन है, तो आपको इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस वाला मटेरियल को यूज करना है। जो भी मटेरियल मैं अपने थंबनेल पे बनाने के लिए यूज करूँगा मैं पूरा अपनी डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से अपने थंबनेल को बना सकते हैं मेरे जैसे। तो आपको यहाँ ओके का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें ओके पर क्लिक कर देना है। तो अपने हिसाब से आप लोग इसको अटैच कर लीजिएगा, जितना भी आप लोग साइज बनाना चाहते हैं, इसको जितना बड़ा रखना चाहते हैं, या मेरे हिसाब से भी आप लोग अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद आपको इसमें इस वाला ऑप्शन को देखना है, इस वाला ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको लॉक वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद फिर से आपको इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट में जाने के बाद आपको इस वाला मटेरियल को यूज करना है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं इस वाला मटेरियल पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको रोटेट कर देना है, क्योंकि आप लोग जब तक इसको रोटेट नहीं करेंगे तो इसका साइज में आएगा नहीं। रोटेट करने के बाद इसको अपने हिसाब से आप लोग अटैच कर लीजिएगा, आप जितना साइज का बनाना चाहते हैं या जिस तरह इसको बैठाना चाहते हैं। तो मैं अपने हिसाब से इसको अटैच कर लिया हूँ। अटैच करने के बाद इसके ऊपर आपको कलर डालना है, जो मेरे यूट्यूब थंबनेल पे बना हुआ है मैं सेम वही कलर डालने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि सेम उसी तरह आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो आपको सिंपल सा कलर पर जाना है। कलर पर जाने का इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको इधर जाके जो मैं कलर बैकग्राउंड में लिया हूँ उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं वो वाला बैकग्राउंड आ चुका है। उसके बाद फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ प्लस वाला आइकन दिख रहा है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद फिर इसको इधर साइड वाला एरो जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला, तो इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ व्हाइट पर क्लिक करना है, कि बीच में व्हाइट देने से थंबनेल देखने में और भी ज़बरदस्त लगेगा और भी बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ओके का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोग ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर आपको इस वाला एरो पे क्लिक करना है, इस वाला एरो पे क्लिक करना है, इसको इस वाला एरो पे क्लिक करना है। फिर इसको जो फर्स्ट में लिए थे वही कलर आपको चूज़ करना है, सेम कलर चूज़ करने के बाद ओके कर देना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इस तरह का इंटरफेस होने के बाद आपको तो उसके बाद यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा ओके का ऑप्शन, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, अपने बैकग्राउंड का जो इंटरफेस है। उसके बाद यहाँ जाके आपको यहाँ लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा साइड में, देख सकते हैं आप लोग इंपोर्ट का ऑप्शन, तो इसमें इंपोर्ट में क्लिक करना है। इंपोर्ट में क्लिक करने के बाद आप जो भी फोटो अपने थंबनेल पे लगाना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अपने फोटो को अपने हिसाब से अटैच कर लेंगे, आप कितना साइज़ का फोटो मतलब कितना बड़ा लगाना चाहते हैं कितना छोटा लगाना चाहते हैं, मैं अपने हिसाब से इसको अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने के बाद आपको फोटो को अगर रोटेट टाइप का होगा तो इसको सीधा कर देना है, तो मेरा रोटेट टाइप का है इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। प्लस वाला आइकन पे दबा के इसको सीधा कर लेता हूँ। सीधा करने के बाद यहाँ अपने हिसाब से इसको अटैच कर लेता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद फोटो पे क्लिक करके आपको स्ट्रोक डाल देना है। स्ट्रोक डालने के बाद फोटो आपको देखने में और भी बेहतरीन हो जाएगा। तो इसमें इनेबल का ऑप्शन है, इनेबल का ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ क्योंकि ये वाला कलर अपने बैकग्राउंड से मैच करता है, तो देखने में फोटो और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको लॉक कर देना है। तो आपको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद इंपोर्ट में जाना है। फिर से इंपोर्ट में जाने के बाद जो शॉर्ट वीडियो का मोबाइल स्क्रीन वाला फोटो होता है उसको यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब इसका साइज ले लीजिए, आपको जो भी साइज़ में इसको यहाँ अटैच करना है, तो मैं इस साइज पर अटैच करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करके फोटो को थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद इस देखने में और भी ज़बरदस्त लगेगा, तो माइनस पे आपको 7 या 8 कर लेना है। तो माइनस में मैं 8 कर लेता हूँ या 9 कर लेता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इसको अटैच कर। -9 करने के बाद आपको इस वाला ऑप्शन पे जाना है, इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद इसको यहाँ नीचे ला के छोड़ देना है, क्योंकि इसको नीचे लाने के बाद कुछ अलग ही इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हो गया। उसके इस वाला ऑप्शन पर जाना है, इसको पेंसिल वाला आइकन पर दबाना है, इसको कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको फिर रोटेट पे जाके इसको प्लस में 7 या 8 कर देना, आप लोगों अपने हिसाब से कर दीजिएगा। तो मैं 8 कर लिया हूँ या 7 पे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ जाना है, इसको भी नीचे ला के लॉक करना है। पहले लॉक करने के बाद इसको भी नीचे ला के छोड़ देना है आप लोगों को, इसको नीचे ला के यहाँ छोड़ देना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। उसके बाद आपको फिर इंपोर्ट में जाना है, शॉर्ट का जो लोगो होता है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको पहले पूरा ले लेना है। इसके बाद इसका साइज़ अपने हिसाब से छोटा कर लेना है। मैं इसका साइज़ पूरा छोटा कर लेता हूँ जो देखने में अच्छा लगे। उसके बाद इसमें आपको स्ट्रोक डाल देना है। स्ट्रोक डालने के बाद कुछ अलग ही देखने को आएगा। देख सकते हैं आप लोग, स्ट्रोक डालने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। उसके बाद आपको यहाँ जाके इसको भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको प्लस वाला आइकन पे जाना है। प्लस वाला आइकन पे जाने के बाद यहाँ टैक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, टैक्स पे क्लिक करना है। टैक्स पे क्लिक करना, पेंसिल पे दबाना है। पेंसिल पे दबाने के बाद यहाँ आप जो भी अपने थंबनेल पे लिखना चाहते हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं जो लिखना चाहता हूँ वो लिख देता हूँ। तो मैं अपना लिख यूट्यूब थंबनेल, तो इसमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको नीचे लाना है। उसके बाद आपको फॉन्ट पे क्लिक करना है, जो भी फॉन्ट आप अपना यूज करना चाहते हैं अपने थंबनेल पे। तो मैं माय फॉन्ट पे जाता हूँ, ये वाला थंबनेल फॉन्ट में यूज कर लेता हूँ। तो इसको रोटेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, आप लोग रोटेट कर लीजिएगा जो देखने में बेहतरीन लगे। तो मैं इसको रोटेट कर लिया हूँ। तो इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं अपने हिसाब से लगा देता हूँ, जो भी कलर अच्छा लगे आप लोग अपने हिसाब से कलर को लगा दीजिएगा। मैं इसमें ब्लैक कर लेता हूँ कि ब्लैक देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो इसमें आपको स्ट्रोक डाल देना है। स्ट्रोक डालने के बाद फॉन्ट का जो क्वालिटी होता है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसमें आपको व्हाइट कर लेना है, देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाके इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद यहाँ पेंसिल का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये कॉपी का लोगो है, इस पर आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद देख सकते हैं ये आ चुका है। उसके बाद पेंसिल पे जाना है। पेंसिल पे जाने के बाद यहाँ आपको जो भी लिखना है, या तो यहाँ में हिंदी में लिखना होगा मेरे जैसा, आप लोग मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि लिखा है मेरे जैसा, तो यहाँ मेरे जैसा टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद इसका आपको साइज़ बड़ा कर देना है, आप जो भी साइज़ का बनाना चाहते हैं। तो मैं इसका हल्का सा बड़ा कर देता हूँ जो देखने में अच्छा लगे थंबनेल पे। मैं यहाँ इसको बड़ा कर दिया हूँ, देखिए मेरे जैसा को बड़ा कर दिया। उसके बाद इसको कलर कर देना, आप इसमें जो भी कलर मेरा थंबनेल पे लगा हुआ है मैं सेम वही कलर डालूंगा आप लोगों को, सेम वही बना के दिखाने वाला हूँ मैं। तो मेरा थंबनेल पे एक कलर लगा हुआ है तो मैं इसको डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ जाना है, इसको जाके फिर लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद फिर सेम पेंसिल का आइकन पे क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ जाना है पेंसिल का आइकन पे, फिर इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आप लोग को लिख देना है कैसे बनाएं, मेरे जैसा कैसे बनाए। तो यहाँ इसको फिर नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद इसका हल्का सा साइज बड़ा कर देना है आप लोगों को, हल्का सा बड़ा करने के बाद इसको ब्लैक कर देना है। मैं अपने हिसाब से कलर डाल देता हूँ, ब्लैक कर लिया हूँ, देख सकते हैं। तो आप लोग भी अगर मेरे जैसा थंबनेल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग भी मेरे जैसा थंबनेल बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।